आज 10-90-84 से प्रचार प्रसार के लिए यूपी में भी केजरीवाल के नारे के साथ प्रचार बस को रवाना किया गया। आम आदमी यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित कई नेता बस पर मौजूद रहे। ये प्रचार बस लखनऊ के अलग अलग विधानसभा पर जाएगी और आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। संजय सिंह ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा ये बस लोगों के बीच 300 यूनिट बिजली फ्री का संदेश और महिलाओं को 1000 व बेरोजगारों को 5000 भत्ता का संदेश लेकर जाएगी। साथ ही बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी ने पूरे चुनाव को मुद्दा विहीन बना दिया है। बस बीजेपी के पास 4 ही मुद्दे बचे हैं, पाकिस्तान, जिन्ना और हिंदू मुसलमान। संजय सिंह ने जनता से अपील भी की कि सभी लोग बुनियादी मुद्दों पर वोट करें। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और इसी को लेके आज लखनऊ में अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स हैं, मध्य क्षेत्र में, सरोजनी नगर में, पूर्वी क्षेत्र में, और यहाँ पे ये जो हमारी बस है यूपी में भी केजरीवाल इस नारे के साथ हम जनता के बीच में अपना संदेश लेकर जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री का संदेश, माताओं बहनों के लिए प्रतिमा 1000 रुपये की सम्मान राशि का संदेश, 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को प्रतिभा देने का संदेश, 10,00,000 सरकारी नौकरियां देने का संदेश, पुराने बिजली के बिल बकाया माफी का संदेश। तो ये जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं इनको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और जिस प्रकार की नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ भी लोगों को जगाने का काम करेंगे। आज इस पूरे चुनाव को बीजेपी ने मुद्दा विहीन बना दिया है। 4 ही उनके पास पुराने कैसेट हैं, पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू मुसलमान, वही बंगाल में बजाते हैं, वही बिहार में बजाते हैं, वही यूपी में शुरू कर दिया।